नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है पालक का पराठा। पालक का पराठा कई तरह से बनाया जाता है। बारीक काट के रखा है मैंने, इसको आटे में गूंद के बनाऊंगी, या फिर पालक को पेस्ट बना करके उसके साथ भी आटा गूंदा जाता है, उस तरह से भी पराठा बनाया जाता है, स्टफ़ करके भी बनाया जाता है। तो आज मैं ये बारीक काट के और साथ में ही गूंद के इसका पराठा बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने एक बाउल मैंने पालक काट लिया है, बारीक काट लिया और अच्छे से धो लिया है इसे, और एक बड़ा बाउल मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है, और मसाले डाल रही हूँ इसमें मैं। कुछ लगभग 1 छोटा चम्मच मैंने मिर्च पाउडर लिया हुआ है, 2 हरी मिर्च बारीक काट ली है, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा कद्दूकस कर लिया है, 2 छोटे चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ली हुई है, पराठे बनाने के लिए तेल लिया हुआ है, और जीरा और सौंफ ये कच्चा ही मैंने दरदरा सा कूट लिया है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और आटा गूंदने के लिए पानी है। तो शुरू करते हैं पालक पराठा बनाना। सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा। शुरू करते हैं पालक पराठा बनाना। सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा, तो उसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया बड़ा, और इसमें ये बारीक कटा हुआ पालक डाल दूंगी। और इसमें नमक डाल देती हूँ, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और हल्दी पाउडर डाल दूंगी, मिर्च पाउडर डाल दूंगी, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल दूंगी, और अदरक डाल दूंगी, कद्दूकस कर लिया है इसको मैंने, और ये जीरा और सौंफ को दोनों मैंने कच्चा ही दरदरा पीस लिया है, वो भी डाल दूंगी इसमें। और आटा डालूंगी इसमें, और 2 चम्मच इसमें तेल डालूंगी, इससे पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लूँगी। जिस तरह हम रोटी पराठे बनाते हैं ठीक उसी तरह हम आटा गूंद लेंगे, ना ज़्यादा कड़क ज़्यादा नरम। देखिए पालक पराठे का मैंने आटा गूंद लिया है, देखिए, और इसको अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा, और उसके बाद अच्छे नरम मुलायम पराठे इसके बनाऊंगी। तो अब मैं इसको ढक करके रख लेती हूँ। देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आटा अच्छे से सेट हो गया है, अब मैं इसके पराठे बनाती हूँ। और पराठे सेकने के लिए मैंने तवा भी रख दिया है गर्म होने के लिए। एक लोई तोड़ लूँगी, आप छोटे या बड़े जिस साइज़ के पराठे बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लोई ले सकते हैं। गोल कर लूँगी इस तरह और आटा लगा लूँगी। पराठे आप गोल भी बना सकते हैं, त्रिकोण भी बना सकते हैं, तो मैं गोल बना रही हूँ। पराठा अच्छे से बेल लिया है मैंने, अब इसको तवे पे डाल देती हूँ और अच्छे से सिकने देती हूँ, दोनों तरफ से थोड़ा सा सिक जाए, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, उसके बाद मैं इसमें तेल लगाऊंगी। देखिए पराठे का कलर चेंज हो गया है, नीचे से सिक चुका ही है, तो अब मैं इसे पलट दूंगी और दूसरी तरफ से भी सेक लूंगी। देखिए पराठा दोनों ही तरफ से सिक चुका है, अब मैं इसमें तेल लगाऊंगी।
आप तेल, घी या बटर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। पलट देती हूँ, दूसरी तरफ से भी लगा लूँगी इसको। जी सर, हम पराठा बना रहे हैं तो हम पराठे में तेल डालते ही हैं या घी डालते हैं, बटर डालते हैं, तो जैसे कुछ लोग तेल खाना अवॉइड करते हैं तो वो इसमें तेल, घी, बटर कुछ भी ना डालें और इसे रोटी की तरह ही बना लें, तो ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और उसे दही के साथ खाइए तो आप तेल पूरी तरह अवॉइड कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से सिक चुका है ये पराठा, दोनों ही तरफ से अच्छे से सिक गया है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। देखिए, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, अब मैं दूसरा पराठा भी डाल देती हूँ और इसे भी सेक लेती हूँ अच्छे से। इसी तरह सभी पराठे बना लेती हूँ। देखिए, पालक के पराठे मैंने तेल लगा के बनाया है, तो एक में ऑयल फ्री बना रही हूँ, तो उसे मैंने ऐसे ऐसे सेक लिया है, ये देखिए, और इसको मैं सीधे गैस पे सेक लूँगी अच्छे से, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं, और अच्छे से सेक लूँगी, ये देखिए, और उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और फिर इसे आप दही के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है रोटी की तरह। ये देखिए, इसमें मसालों का फ्लेवर भी आता है, पालक का टेस्ट भी आता है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से सिक चुकी है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म पालक के पराठे तैयार है खाने के लिए। पालक के पराठे मैंने दही के साथ सर्व किया, एक पराठा मैंने ऑयल फ्री बनाया है। ये देखिए, मैंने इसको सेकने के लिए बिल्कुल भी तेल का यूज़ नहीं किया है, तो आप इस तरह से बनाइए पराठे को और दही के साथ खाइए, ये भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि पालक के पराठे आपको कैसे लगे, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।